वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। मेरठ लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित किदवई नगर में आज एक अधेड़ की नमाज पढ़कर लौटते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए व्यक्ति की गर्दन पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया है। दरअसल किदवई नगर में 55 वर्षीय निजामुद्दीन की किराना की दुकान है। मंगलवार की रात वह नमाज पढ़कर लौट रहे थे कि बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उनके गले पर भी धारदार हथियार से हमला किया है। गोली व हत्या की सूचना मिलते ही वहां भीड़ जमा हो गई। निजामुद्दीन को पास से स्थित एक हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस बारे में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी नाम के व्यक्ति थे। लगभग 55-56 वर्ष की इनकी अवस्था थी। आज शाम को अपने घर के बाहर ये टहल रहे थे किदवई नगर धोबी वाली गली ऊंचा पीर में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में। बताया जा रहा है कि अचानक से कुछ हमलावर आए और इनके ऊपर कुछ हमला किया। गले पे कुछ धारदार हथियार से चोट है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः फायरआर्म का प्रयोग किया गया। गली में ही इनके ऊपर हमला किया है और उसके बाद में अस्पताल ले गए, इनकी मृत्यु हो गई। अभी इनके परिजनों से वार्ता की जा रही है और जानकारी की जा रही है कि ये घटना उनको किस पर शक है। तहरीर प्राप्त करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुलजमों के विरुद्ध जो है जैसे ही हमको उनके नाम या कुछ इनके बातें प्राप्त होती हैं तो सीसीटीवी वगैरह भी हम देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम घटना का धारण करके मुलजिमों को कानून के सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे। फायरिंग की भी सूचना आई है क्या? फायरिंग? हाँ बिल्कुल, जानकारी तो हुई है। प्रथम दृष्टया तो ये जानकारी हुई है, लोगों ने बताया कि धारदार हथियार से मारा, एक गोली चलने की बात आई है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं सारी बातें पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।